आपने पिछले क्लास में अक्षरमाला सीखा है, सब कुछ सीखा है, तो अभी आज हम ग्रामर का एक ऐसा हिस्सा सीखेंगे। आप ऑलरेडी इंग्लिश में सीखा होगा नाउन करके, तो अभी हम यहाँ पे सीखेंगे संज्ञा। नाउन को क्या कहते हैं हिंदी में? संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं और उसका डेफिनेशन क्या है और उसके प्रकार कितने हैं, उसके बारे में आज हम जान लेंगे। संज्ञा मैं अभी ऐसे ही ओरली आपको बता देती हूँ, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी। जब बोर्ड पे लिखूंगी तब आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को सूचित करने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को सूचित करने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। नाउन इज कॉल्ड एज अ नेम, थिंग्स एंड प्लेस विच वी कॉल्ड एज नाउन। ओके, तो संज्ञा के प्रकार हैं पांच। संज्ञा के कितने प्रकार हैं? पांच। कौन से संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए अभी मैं आपको बोर्ड पे यहाँ पे लिखकर डेफिनेशन लिखकर आपको एक्सप्लेन कर दूंगी संज्ञा किसे कहते हैं करके, ठीक है? यार जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को सूचित करने वाले सूचित करने वाले आप कीजिए शब्द को संख्या कहते हैं। ठीक है, ये हो गया संज्ञा का डेफिनेशन। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, व्यक्ति मीन्स पर्सन, वस्तु मीन्स थिंग्स, स्थान मीन्स प्लेस या भाव मीन्स इमोशंस। ओके, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को सूचित करने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए है, उदाहरण के लिए अमन, नरेन आदित्य, ठीक है, पेन या कलम कह सकते हैं आप, मेज, मेज। यहाँ पे वस्तु प्राणी ही आप कह सकते हैं, ठीक है, प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या अवस्था को भी आप कह सकते हैं, ठीक है, बिल्ली, आगरा, बेलगाम, या प्रेम, त्याग आदि। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण मैंने इतने लिख दिए हैं। अमन यहाँ पे क्या है? लड़के का नाम है।
नरेन भी लड़के का नाम है, लड़कियों का भी नाम आता है उसमें, ठीक है। आदित्य भी नाम है और पेन जो है वो है कलम, एक वस्तु है, यस ओके। मेज जो है वो भी एक वस्तु है और बिल्ली, बिल्ली है प्राणी और आगरा जो है वो है स्थान और बेलगाम जो है वो भी एक स्थान है, ठीक है। और भी प्रेम और त्याग जो है वो है भाव को सूचित करने वाले शब्द है। ये हो गए संज्ञा और संज्ञा के लिए उदाहरण। अभी जान लेंगे हम संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार कौन से हैं और कितने हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, सिर्फ आपको एक बार लिखकर दिखाऊंगी। चलिए अभी संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार में से पहला वाला जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा दूसरा जो है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा जो है समुदायवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा होने के बाद द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा जो है ये है भाववाचक संज्ञा। ये हो गए कितने, पांच प्रकार। पांच प्रकार में से पहला वाला कौन सा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये जो है पांच प्रकार है। इन पांच प्रकारों को हम अगले क्लास में एक एक करके आपको एक्सप्लेन करके बता देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए ये संज्ञा हो गए और संज्ञा के पांच प्रकार हो गए। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम इसका डेफिनेशन यानी कि इसका व्याख्यान हम अगले क्लास में और उदाहरण उसके अगले क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।